हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने गंदे पीले दांतों को मोतियों के जैसे चमकदार बना सकते हैं। मिक्स ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में दिए गए घंटी को दबा दे। सबसे पहले हम लेंगे सरसों के तेल। तो दोस्तों, सरसों के तेल 5 से 6 बूंद की मात्रा में लेंगे। 15 लौंग आपको लेना है और बारीक पीस लेना है। तो दोस्तों देखिए, हम लवंग को भून लिए हैं। दोस्तों आप कोई भी लवंग ले सकते हैं, फूल वाला बेफूल वाला भी ले सकते हैं। दोस्तों हमको तीसरा चीज इसमें ऐड करना है, ये है नींबू। नींबू को आधे फड़े लेकर और इसमें निचोड़ लेंगे। तो दोस्तों हम ज्यादा नींबू को नहीं लेंगे, 5-6 बूंद की मात्रा में हम इसमें ऐड किए हैं। नींबू से आपकी जो दांतों में बैक्टीरिया होती है, गंदे पीले लग जाता है, उसको हटाने में मदद करता है ये नींबू। दोस्तों अब हमको चौथा चीज इसमें ऐड करना है, वो है हल्दी। हल्दी आपके मसूड़ों के लिए और आपके गंदे पीले दांतों के लिए साफ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हम अच्छे से इसे मिक्स कर लिए हैं। दोस्तों आपको इस अनुष्का को कब और कैसे इस्तेमाल करना है बता रही हूँ। दोस्तों इस अनुष्का को दोपहर और शाम सुबह में इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दांत जल जाएगी, सफेद दिखने लगेगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।